अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आप नेशन बिल्डर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये वान कनार रॉयल क्लासिक स्पेनिश डिज़ाइनर हाउस है। 50x90 फीट इस घर की डायमेंशन है। 5 बेडरूम इस घर की अकोमोडेशन है। ये घर 150 फीट मेन बुलेवार्ड पे लोकेटेड है। आप इसका एलिवेशन देख सकते हैं, इस पर ग्राफी की गई है। इसके अलावा रॉट आयरन की इसकी रीलिंग दी गई है। जॉर्जियन डिज़ाइन में आपको विंडो नज़र आ रही है, मोज़ेक किया हुआ है। बहुत ही डिसेंट इसका एलिवेशन डिज़ाइन किया गया है। लेफ़्ट साइड पे कार रैंप और गैराज दिया गया है। रॉट आयरन का इसका मेन गेट दिया गया है, आप देख रहे हैं। इसमें गोल्डन कलर का पेंट किया गया है। और राइट साइड पे ये एक्सटर्नल गार्डन दिया गया है। यहाँ भी आपको मोल्डिंग नज़र आ रही है। इसके अलावा इसकी वॉल पे टॉक वॉल ग्राफी की गई है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे प्लांटर लगाए गए हैं और कोरियन ये ग्रास लगाया गया है। ये सामने जी इसकी एंट्रेंस दी गई है। और सामने इस घर की मेन एंट्रेंस लेफ़्ट साइड पे ये गैराज दिया गया है। इसमें आप 4 बड़ी गाड़ियाँ इजीली पार्क कर सकते हैं। और यहाँ पे पिलर दिए गए हैं। सामने की वॉल में आपको मोज़ेक और मोल्डिंग का डिज़ाइन मिलता है। ब्यूटीफुल इसमें सीलिंग दी गई है। फ़ैन इंस्टॉल किया गया है। इसके साथ में 5.5 फीट की पैसेजेस वॉल घर की तीनों साइड पर दी गई है। और मिड में एंट्रेंस दी गई है। ये इस साइड पे देखें जी, तो आपको इनसाइड गार्डन मिलता है। यहाँ पे ग्रीन एरिया डिज़ाइन किया गया है। वॉल पे सेम ग्राफी की गई है, टाइल लगाई गई है। और यहाँ पे फाउंटेन लगाया जाएगा। ये सामने आपको विंडो नज़र आ रही है। यहाँ पे ड्राइंग रूम दिया गया है। फर्स्ट फ्लोर पर आपको विंडो नज़र आ रही हैं। मास्टर बेडरूम दिया गया है। और ये देखें जी, ये इस घर की एंट्रेंस है। ये आप इस घर की एंट्रेंस देख रहे हैं। ग्रेनाइट के स्टेप्स दिए गए हैं। सामने सॉलिड वुडन का मेन डोर दिया गया है। और ये देखें जी, इस साइड पे मोज़ेक का डिज़ाइन मिलता है। इसके साथ में मोल्डिंग की गई है। बहुत ही खूबसूरत आर्च डिज़ाइन में ये इस घर का मेन डोर दिया गया है। आर्टिस्टिक डिज़ाइन इस पर आपको नज़र आ रहा है। ये इस घर की मेन डबल हाइट लॉबी आप देख रहे हैं, जिसमें आपको स्पेनिश स्टाइल के साथ वर्साची पैटर्न की फ्लोरिंग मिलती है। सामने ये आपको ग्लास और वुडन का ये डोर मिलता है। इस साइड पे डाइनिंग रूम दिया गया है। सामने देखें जी, ये टीवी लाउंज दिया गया है। टीवी लाउंज के ऑपोजिट किचन दिया गया है। और टीवी लाउंज की वॉल के साथ बेडरूम और स्टोर दिया गया है। ये आप इसकी वॉल देखें, इसमें हैंगिंग लाइट्स दी गई हैं। मिरर का डिज़ाइन दिया गया है। और यहाँ पर आपको सीलिंग में CNC लैटर्स और लाइट्स का डिज़ाइन मिलता है। टॉप में देखें जी, तो आपको ये डोम नज़र आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत इसमें ब्रास का शैंडलियर दिया गया है। डबल हाइट लॉबी और ज़िगज़ैग डिज़ाइन में ये आपको इस घर की ये स्टेयर नज़र आ रही हैं। ग्रेनाइट के स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेयर के नीचे पाउडर रूम दिया गया है। सामने TV लॉन्च। और ये इस साइड पर देखें जी, तो ड्राॅइंग रूम दिया गया है। ये जी इस घर का ड्राॅइंग रूम, वुडन फ्लोरिंग की गई है। सामने ये आप देखें जी, आपको विंडो नज़र आ रही है। गार्डन के व्यू आप देख सकते हैं। और सामने की आप वॉल में देखें, फायरप्लेस दी गई है, मोल्डिंग और वॉलपेपर। और मेड में देखें जी, तो आपको ब्रास का ये शैंडलियर नज़र आ रहा है। यहाँ पे फैन इंस्टॉल किए गए हैं। सीलिंग में रॉब लाइट दी गई हैं। ड्राॅइंग रूम के साथ सामने ये डाइनिंग रूम कंबाइन दिया गया है। इसकी वॉल पर भी मोल्डिंग, वॉलपेपर और लाइट्स दी गई हैं। और ये देखें जी, ये साइड पे आपको ये विंडो नज़र आ रही है। ब्यूटीफुल इसकी ये सीलिंग डिज़ाइन की गई है। और यहाँ देखें जी, तो ये आपको डाइनिंग रूम का डोर मिलता है। ये लॉबी में ओपन होता है। डाइनिंग रूम से ये किचन में एक्सेस दी है। मिड में आईलैंडर दिया गया है। बहुत ही खूबसूरत पैटर्न पे ये किचन डिज़ाइन किया गया है। बॉटम और टॉप में लाइट कलर की ये स्टोरेज स्पेस दी गई है। मिड में ये बर्नर दिया गया है। इसके ऊपर आपको ये हुड नज़र आ रहा है। सामने विंडो दी गई है वेंटिलेशन के लिए। और यहाँ पे देखें जी, सिंक दिया गया है। जेट ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट का टॉप दिया गया है। और इस साइड पर देखें तो यहाँ पर आपको ये क्रॉकरी रैक दिए गए हैं। सामने की वॉल में इलेक्ट्रिक DB दी गई है। फायर अलार्म सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। सामने TV लॉन्च। और किचन में ये आपको बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग लाइट्स नज़र आ रही हैं। मिड में देखें जी, स्टोरेज स्पेस के साथ ये आईलैंडर दिया गया है। और इस साइड पे यहाँ देखें, यहाँ पे आप अपना
इन्वर्टर फ्रिज रख सकते हैं, और इसके साथ में एक्सेसरीज़ की भी स्पेस दी गई है। बॉटम और टॉप में आपको स्टोरेज स्पेस मिलती है। और इस साइड पे देखें जी, ये इस घर का शेफ किचन, सामने सर्वेंट एंट्री दी गई है, वेंटिलेशन के लिए विंडो, एग्जॉस्ट फैन इंस्टॉल किया गया है, और ग्रेनाइट का किचन टॉप दिया गया है। ये जी इस घर का मेन इम्पोर्टेड किचन, और इसके बिल्कुल अपोजिट ये टीवी लॉन्च दिया गया है। आप देख रहे हैं जी, ये सामने मेन डोर, डबल हाइट लॉबी, और इसके साथ में किचन, इसके साथ में जी ये टीवी लॉन्च वॉल, इसकी वॉल पे मोल्डिंग की गई है, वॉलपेपर लगाया गया है। सामने आपको ये विंडो नज़र आ रही है, वॉल में डिसेंट डिज़ाइन दिया गया है, डबल ग्लेज ये विंडो। और इस साइड पे देखें जी, ये इसकी मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई है, यहाँ भी सेम पैटर्न पे वॉल में डिज़ाइनिंग की गई है। बॉटम में आपको स्मार्ट टीवी का स्टैंड नज़र आ रहा है। सीलिंग का पैटर्न बहुत ही डिसेंट दिया गया है, लाइट्स दी गई हैं, स्मोक डिटेक्टर फैन और क्रिस्टल का ये शैंडलियर इंस्टॉल किया गया है। सामने किचन और कॉरिडोर में देखें जी, तो सामने आपको ये मेड में स्टोर नज़र आ रहा है। राइट और लेफ्ट साइड पे बेडरूम दिए गए हैं। ये इस घर का फर्स्ट बेडरूम, वुडन फ्लोरिंग की गई है। वॉल पे देखें जी, बेड वॉल में वॉलपेपर और हैंगिंग लाइट दी गई हैं। सामने डबल आपको ये विंडो नज़र आ रही है, बहुत ही डिसेंट ये सीलिंग डिज़ाइन की गई है। और इस साइड पे देखें जी, तो ये वॉल में मोल्डिंग की गई है, स्मार्ट टीवी का डिज़ाइन आपको मिलता है। और ये आप इसकी वॉक इन क्लोजेट देखें जी, प्योर वुडन की, सॉलिड वुडन की बिल्कुल ही सेपरेट कर दी गई हैं। और इसके साथ में जी, इस साइड पे ये अटैच बाथरूम दिया गया है, क्लासिक डिज़ाइन की, या वैनिटी देख रहे हैं बॉटम। और इसकी वॉल पे देखें तो आपको सेम कलर में फ्लोरिंग मिलती है। ये सामने जकूजी दी गई है, वॉल में बहुत ही खूबसूरत टाइल लगाई गई हैं, इस साइड पे शावर कैबन। पूरे घर में आपको ग्रोही की एक्सेसरीज मिलती हैं, और ये यहाँ पे नेश दी गई है। इस साइड पे देखें जी, वेंटिलेशन के लिए ये विंडो दी गई है, वॉल में बहुत ही डिसेंट डिज़ाइन किया गया है, और यहाँ पे ये वॉल माउंटेड कमोड दिया गया है। चलते हैं जी, अब इस घर का सेकंड बेडरूम देखते हैं। कॉरिडोर में दूसरी साइड पे ये सेकंड बेडरूम दिया गया है, सामने ये डबल विंडो आपको नज़र आ रही है। सीलिंग में आप देख सकते हैं डिसेंट डिज़ाइन, और सामने की आप वॉल देखें जी, तो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन की गई है। और इस साइड पे जी, ये इसका अटैच बाथरूम, वाइट कलर की फ्लोरिंग की गई है। सामने आपको ये वैनिटी नज़र आ रही है, मिरर के साथ हैंगिंग लाइट दी गई है। और इस साइड पे देखें जी, टॉप में एग्जॉस्ट फैन दिया गया है, ये शावर कैबन। और यहाँ देखें जी, तो ये आपको वॉल माउंटेड कमोड नज़र आ रहा है, और ये आप देखें बड़ी खूबसूरत यहाँ पे टाइल किस के साथ डिज़ाइनिंग की गई है, ग्रोही की एक्सेसरीज, ये शावर कैबन। सामने फ्लोटिंग टॉप पे वैनिटी दी गई है, मिरर। और इस साइड पे देखें तो आपको टॉप से बॉटम तक ये वार्डरोब मिल जाती हैं जी। तो व्यूअर, ग्राउंड फ्लोर पे आपको दो बेडरूम मिलते हैं, इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर पे ये टीवी लॉन्च दिया गया है राइट साइड पे, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट लेफ्ट साइड पे ये किचन दिया गया है। ये सामने कॉरिडोर, आप इसका मेन डोर देखें, इसकी बैक में आप देखें आपको बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन मिलता है। और यहाँ पे देखें जी, तो ये स्टेयर केस दी गई है, स्टेयर के नीचे ये पाउडर रूम आप देख रहे हैं, इसमें बहुत ही डिसेंट कलर की फ्लोरिंग की गई है, ये वैनिटी, और इसके साथ में वॉल माउंटेड कमोड दिया गया है, वॉल पे बड़ी डिसेंट टाइल लगाई गई हैं। और ये आप स्टेयर केस की रेलिंग देखें, बहुत ही डिसेंट, बहुत ही खूबसूरत ये इसकी रेलिंग डिज़ाइन की गई है, ग्रेनाइट के स्टेप्स दिए गए हैं। और चलते हैं जी, अब इस घर का फर्स्ट फ्लोर देखते हैं। ये देखें जी, ये सामने कॉरिडोर में सामने आपको डोर नज़र आ रहा है, यहाँ पे किचन दिया गया है, फायर एक्सटिंग्विशर रखे गए हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक ये डीबी दी गई है। ये सामने देखें जी, टीवी लॉन्च दिया गया है। और इस साइड पे देखें जी, तो ये कॉरिडोर और ये डबल हाइट लॉबी। टॉप में देखें जी, तो ये डोम दिया गया है, और ब्रास का ये डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है, ये शैंडलियर दिया गया है। जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं, तो लॉबी में आपको सबसे पहले ये मास्टर बेडरूम मिलता है, आप देख रहे हैं ये इसकी सिंपल वॉल, और बहुत ही डिसेंट ये सीलिंग डिज़ाइन की गई है, टॉप में डोम दिया गया है, और बहुत ही खूबसूरत आपको इसका मेन डोर नज़र आ रहा है। फ्रंट साइड पर देखें तो आपको ये थ्री विंडोज़ मिलती हैं, जॉर्जियन डिज़ाइन की विंडो,
और इस साइड पे देखें जी, तो ये इसकी बेड वॉल डिज़ाइन की गई है, मोल्डिंग वॉल, इसमें मोल्डिंग की गई है, हैंगिंग लाइट्स दी गई है, और ये सामने जी इसका अटैच बाथरूम दिया गया है। ये जी आप इसकी फ्लोरिंग देख रहे हैं, सामने राइट साइड पे आपको ये वार्डरोब नज़र आ रही है टॉप तक। इस साइड पे वॉल माउंटेड कमोड दिया गया है, सामने आपको ये जकूजी नज़र आ रही है। इसकी आप नीच देखें जिसमें मोज़ेक की टाइल लगाई गई है, और यहाँ पे वॉल में डिसेंट टाइल लगाई गई है, एग्जॉस्ट फैन दिया गया है, टॉप में डोम दिया गया है, और ये देखें जी सामने आपको मिरर नज़र आ रहा है, और बहुत ही डिसेंट ये इंपोर्टेड वैनिटी इस साइड पर वॉल माउंटेड कमोड दिया गया है। ये इस घर का थर्ड बेडरूम है। चलते हैं जी अब इस घर का ये बाकी एरिया देखते हैं। ये कॉरिडोर में शैंडलियर दिया गया है, और ये देखें जी ये डोर दिया गया है, किचन यहाँ पे ये किचन दिया गया है, और किचन के साथ में आपको ये स्टोर मिलता है। इस साइड पे देखें यहाँ पे आप फ्रिज रख सकते हैं, इसके अलावा वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है, यहाँ पे ये सिंक दिया गया है और स्टोर लॉक्ड है। और इस साइड पे देखें तो इधर भी ग्रेनाइट का टॉप दिया गया है, यहाँ पे बर्नर दिया गया है, बॉटम और टॉप में आपको स्टोरेज स्पेस मिलती है। चलते हैं जी अब इस घर का टीवी लाउंज और सेंट्रल टेरेस और इसके साथ में दोनों बेडरूम देखते हैं। ये देखें जी ये इसका टीवी लाउंज, आप इसकी वॉल पे देखें, वॉलपेपर मोल्डिंग और हैंगिंग लाइट्स के साथ ये स्मार्ट टीवी का स्टैंड दिया गया है। सामने आपको ये विंडो नज़र आ रही है, वॉल पे पेंट किया गया है, बहुत ही डिसेंट ये इसकी सीलिंग डिज़ाइन की गई है, मेड इन ब्रास का डिज़ाइन दिया गया है, सामने फायर प्लेस दी गई है। और ये देखें जी यहाँ पे आपको ये सेंट्रल टेरेस मिलता है, और ये इसकी फायर प्लेस, सामने बेडरूम दिया गया है, और ये आपको सेंट्रल टेरेस का डोर मिलता है। काफ़ी अच्छे साइज़ का ये सेंट्रल टेरेस, सामने की वॉल में देखें तो आपको प्राइवेसी कवर करने के लिए स्टील की लैटस दी गई है, स्टोन वर्क किया हुआ है, इसके अलावा पिलर के साथ मोल्डिंग की गई है, वॉशिंग के लिए टैप दिया गया है, लाइट्स दी गई हैं, वुडन टेक्सचर की टाइल फ्लोरिंग की गई है। और ये जी इस घर का फोर्थ बेडरूम आप देख रहे हैं जी, सामने ये विंडो दी गई है, और इसके साथ में जी बैक साइड पे आपको ये टेरेस मिलता है। इसकी बहुत ही डिसेंट ये सीलिंग डिज़ाइन की गई है, और बहुत ही खूबसूरत इसमें ये वुडन फ्लोरिंग की गई है। सामने सेंट्रल टेरेस में ये विंडो ओपन होती है, और यहाँ इस साइड पे देखें जी ये इसकी बेड वॉल डिज़ाइन की गई है, वॉलपेपर लगाया गया है, और ये देखें जी ये अटैच बाथरूम, लाइट कलर की टाइल फ्लोरिंग की गई है, और सामने देखें जी ये वैनिटी दी गई है, इसके साथ में जी ये आपको मिरर नज़र आ रहा है। और इस साइड पे देखें आपको पूरी वॉल में वार्डरोब मिलती है टॉप तक, बहुत ही डिसेंट इसमें ये सीलिंग डिज़ाइन की गई, एग्जॉस्ट फैन दिया गया है, यहाँ पे वॉल फैन लगाया गया है, और ये सामने वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है, शावर कैबिन शीशे से इसको कवर किया गया है, और यहाँ पे ये कमोड दिया गया है। ये इस घर का फोर्थ बेडरूम, और अब चलते हैं जी इस घर का लास्ट बेडरूम देखते हैं। इसमें भी सेम, इसकी चाबी उसका बंद है। ये जी इस घर का फिफ्थ बेडरूम आप देख रहे हैं, इसमें टाइल फ्लोरिंग की गई है, सामने की वॉल में आपको ये विंडोज़ नज़र आ रही हैं, बहुत ही डिसेंट इसमें ये सीलिंग डिज़ाइन आप देख रहे हैं, और सामने की वॉल में ये मोल्डिंग की गई है। जी तो वीवर, ये वन कनाल रॉयल क्लासिक स्पेनिश डिज़ाइनर हाउस है, ये घर फेज 6 DHA लाहौर में प्राइम लोकेशन पे लोकेटेड है, 5 बेडरूम इस घर के अकोमोडेशन है, 2 सर्वेंट क्वार्टर, 4 कार की पार्किंग स्पेस दी गई है। इस घर की डिमांड 13,50,00,000 है। ये घर आप विजिट करना चाहें तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।